बात पंजाब के सीएम की, जो कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। आज बड़ी खबर है ये, पंजाब के मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिल्ली आ रहे हैं, जानकारी हमने आपको थोड़ी देर पहले दी थी, और अब खबर ये आ रही है कि शाम को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मिलेंगे, उनकी मुलाकात होनी है। तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, आज कांग्रेस आलाकमान से भी उनको मिलना है, पंजाब की मौजूदा स्थिति पर वो बात करेंगे। लेकिन इसी बीच खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। आज शाम को संभव है कि ये मुलाकात हो, प्रधानमंत्री से मिलेंगे चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री। तो दो कार्यक्रम आज उनके, दोपहर 12 बजे दिल्ली रवाना होंगे चरणजीत चन्नी, पहले कांग्रेस आलाकमान के साथ उनकी मुलाकात का प्रोग्राम है, क्योंकि जो इस वक्त पंजाब में चल रहा है कांग्रेस के भीतर, सरकार के भीतर, उस तमाम बातों को लेकर आलाकमान से आज चर्चा करेंगे। उसके बाद कोई बड़ा फैसला भी मुमकिन है कि लिया जा सकता है, लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली आ रहे हैं और आज शाम को प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। प्रधानमंत्री से उनकी ये मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से पहली बार मिलेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। बड़ी खबर इस वक्त की। जगविंदर पटियाल और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, पहले तो आलाकमान से मिलने की बात आ रही थी, अब खबर यह है कि शाम को भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से सीएम चन्नी की। जी हाँ, देखिए 1 बजे के करीब चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंच जाएंगे और उनके पास 4 बजे तक जो है तकरीबन 3 घंटे का वक्त है, और इस दौरान वो अपने आलाकमान के साथ जो तमाम पार्टी लेवल के इशू है या सरकार के इशू है उन पर बातचीत कर लेंगे। विचार विमर्श के बाद जो है वो माना जा रहा है कि 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी चरणजीत चन्नी की। आमतौर पर तो यही है कि ये शिष्टाचार मुलाकात है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रधानमंत्री से उनकी कोई भी भेंट नहीं हुई, इसलिए वो शिष्टाचार के नाते कॉल ऑन करने जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है इसमें वो प्रधानमंत्री के सामने जो उठाएंगे वो होगा धान की फसल की खरीद का मुद्दा, क्योंकि धान की फसल की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती है और पंजाब और हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की फसल पहुंच चुकी है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार की तरफ ये आदेश जारी कर दिया गया है कि 11 अक्टूबर से ये खरीद शुरू होगी, जिसको लेकर किसानों में बहुत नाराजगी है और ऐसा माना जा रहा है कि बारिश के सीजन में अगर अब बारिश आ जाती है 10 दिनों के अंदर तो उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी, और ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है और सरकारों के लिए भी बहुत जो है वो किसान जो है वो नाराज हो सकते हैं, जो सूबा सरकारें हैं राज्य सरकारें हैं। लिहाजा किसानों के गुस्से को कम करने के लिए चन्नी ये प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं कि ये जो देरी की गई है इसको तुरंत खत्म करके खरीद जो है शुरू की जाए। ठीक है जगविंदर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।